हेलो मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात? अरे बाबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। आप कौन से पुलिस स्टेशन में हो? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से पुलिस स्टेशन में हो। तुम चलते रहो। आपका नाम नहीं पता, आप कौन से गांव से हैं? अच्छा, आप उस ग्राउंड में भी नहीं आती आजकल। आपको देखने से लगता है कि मैंने भगवान को देख लिया। सुनिए, आपसे मिलने के लिए मैंने आपको कहां कहां ढूंढा पता है? ए, गाड़ी हटा वहां से। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ए, साइड में ले। ए मिस्टर, मैं उनसे बात कर रहा हूं ना। देखिए, मुझे आजकल नींद नहीं आती। ए स्टूपिड, गाड़ी हटाओ। आप मेरी आंखों में बसी हैं, हमेशा आपकी ही याद आती है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी हटाओ नहीं तो अंदर कर दूंगी, इडियट। रिवाइंड करो। मैडम, आपको कोई फॉलो कर रहा है? व्हाइट शर्ट में है ना? डिसेंट दिख रहा है ना? संभल के। ओके मैडम। चलो। ए, कौन है तुम? कहां ले जा रहे हो मुझे? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अरे भाई क्यों ना बोलूं, मैं एक इंजीनियर हूं। चुपचाप रहो, चलो। क्या चल रहा है ये सब? मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? मैंने बोला ना, चुप रहो, चलो। देखो, मेरा पर्सनल काम था। चलो, बैठो। ए भाई, ये तो पब्लिक प्लेस है यार, और तुम कौन होते हो पूछने वाले? तो मैडम को फॉलो क्यों कर रहे थे? कौन सी मैडम? अच्छा वो वाली, आप सब लोग साथ में हो गया? मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? हाँ, हम सब बच्चे हैं ना, मजाक करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे। ए भाई, मेरे साथ जरा इज्जत से पेश आना। मैं यहाँ एक लड़की को देखने आया था, समझ गए ना? तुम्हें देखने के लिए मैडम ही मिली क्या? अरे बाप रे, वो लड़की नहीं है। सॉरी यार, मुझे माफ करना। क्या रे, क्या मजाक कर रहा है? पुलिस से कभी मार नहीं खाया क्या? सच सच बता, किसने भेजा है तुझे यहाँ पर? मिस्त्री ने भेजा है मुझे। किस गांव में मिस्त्री की बात इंजीनियर सुनता रहे? फॉल्स इंफॉर्मेशन मैडम, नथिंग सस्पिशियस। जिस पर शक किया जाए ऐसा कुछ नहीं है। चलिए। मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? सारे लोग मुझसे एक ही सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरे माथे पे लिखा है क्या कि मैं पुलिस वाला हूँ, या मैंने यूनिफॉर्म पहन रखी है? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा बताइए, मैं बोलूं या नहीं? ठीक है, बोलता हूँ। आप जैसी सुंदर लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे मैं तो बस कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। मेरे मन में जो था मैंने बोल दिया, और मैं जो आपको फॉलो कर रहा था उसकी वजह मैं नहीं हूँ बल्कि आप हैं। आपकी सुंदरता मुझे भा गई। और एक सच बात बताऊँ, मैं जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो आप नहीं है। पुलिस वाली हो पर आप भी एक लड़की ही हो। रुको रुको, ये बताओ लड़कियां अपने आप को क्या समझती हैं? ए, क्या है? क्या लड़कियां? अरे तुम तो मुझे चेन स्नैचिंग अक्यूज्ड की तरह ट्रीट कर रही हो, और कल रात को फोन पर मुझे चिल्ला क्यों रही थी? ए, तू किसी और के बारे में मुझसे बात कर रहा है? किसी और की तरह? ये तुम क्या कह रही हो? उस लड़की से मैं शादी करने वाला था, उसे देखने के लिए आया था, तभी आपने मेरी गाड़ी में इंक्वायरी की और उसने मुझे देखकर सीधे क्रिमिनल समझ लिया। पुलिस वालों की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब उन्हीं बर्बादों में से मैं एक बन गया हूँ, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। हेलो, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है, तू पहले ऐसे बिहेव करना बंद कर, समझा? हेलो हेलो, रुकिए, क्या मतलब? मुझे न्याय नहीं मिलेगा? पुलिस हो तो एटीट्यूड दिखा रही हो। बोल दिया ना, चल निकल, ज्यादा टेंशन मत दे अभी। अच्छा डरा रही हो, मैं डर जाऊंगा? अच्छा तो डरेगा नहीं, पुलिस के खिलाफ जाएगा, मार दूंगी तुझे। मैं ढील दे रहा हूँ, आप ज्यादा बोल रही है। लिमिट में रहो, मुझे भी लॉ मालूम है, मुझे भी जो करना है मैं कर सकता हूँ।
पुलिस है तो क्या? लड़की से छेड़खानी करता है, अभी देखता हूँ तेरे को। हाँ रे, पुलिस हूँ, पुलिस का एटीट्यूड दिखा रही हूँ। घुटने पे बैठ, घुटने पे बैठ। बैठ रहा हूँ मैडम। मैडम, अब कहाँ से आया मैडम? पहले तो ऐसे बात कर रहा था जैसे अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। एटीट्यूड दिखाएगा, एक मिनट में तेरा भेजा उड़ा दूंगी। किसी और ने मना कर दिया तो यहाँ आके उछल कूद कर रहा है? उछल नहीं रहा था मैडम, गुस्से में दिल की बात निकल गई। उस दिन गाड़ी में बिठा कर इंक्वायरी की और आज पब्लिक प्लेस में मेरी इंक्वायरी कर रही है। अब तो आप खुश हो ना? मुझ जैसे अनाथ आश्रम में पले बड़े लोगों के लिए आप जैसे लोगों का साथ नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? गेट अप। देखिए, उसने मुझे कम नहीं डांटा। इतने सालों से मैंने जो सच्चाई और इज्जत कमा के रखी थी सब खत्म हो गई। जहां काम कर रहा हूं वहां भी पूछते हैं कि तुझे पुलिस क्यों लेके गई। शर्मिंदगी होती है मुझे। एक फैमिली मेरी सिचुएशन समझ के मुझे लड़की देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? खुद पे भरोसा रखो, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। मैं हूँ ना? यस, आप हो तो मैं डबल ओके। आपकी आंखें देखकर मैं बेहोश हो गया था। आप मिल जाएगी तो मैं एक मिनट में मर जाऊंगा। ये कुदरत का करिश्मा है। मैंने सोचा था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अब पता चला क्यों वेस्ट हो रहा था। Yeah! मैंने तो ऐसे ही प्यार से बोल दिया था, ये पागलू जैसी हरकत क्यों कर रहा है? ये मुझे बुलाया? हाँ, तुझे ही। सर, लग रहा है एड्रेस पूछ रही है। चलो पास चल के देखते हैं। चलो ना सर, खड़े क्या है, चलो। आप अपना काम करो मिस्त्री, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। सर, मैं भी आपके साथ आता हूँ। रोड में आती जाती लड़कियों को ऐसे देखते हो क्या? उम्र का फर्क है कि नहीं? तेरी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या है? लड़कियाँ इतनी चीप हो गई हैं क्या? बस मैडम, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। तो फिर क्यों रोड पे खड़ी होकर कमर हिला हिला के पूछ रही थी आप? बातें करते समय आप हाथ क्यों उठा रही हैं? ऐसे पेश आ रही है जैसे साइड पे कुछ गलत हो रहा है। देख लिया ना सर। सॉरी मैडम, इनके साथ आप जैसा भी पेश आइए, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। ये क्या हो गया इनको? तू ही मिस्त्री है क्या? ए मनियारी, जल्दी इधर आ, इधर आ, जल्दी। आ रही हूं। ये मनियारी कौन है? मेरी बीवी है। अब तुझे बीवी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हुआ जी? हाँ, मेरी बीवी। ये मेरे पति हैं जी, जरा ज्यादा बोलते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए, कल कहीं जाकर मार खा कर आए हैं, कहाँ कहाँ घूमता रहता है। माफ कर दीजिए इसे। सिगरेट ले जाओ। कितनी बार बोला गाड़ी में आते समय तू मुझे ही देख रहा था ना? एक्चुअली आपका चेहरा मैंने नहीं देखा। क्या? वो आपने चेहरे पर कपड़ा बांधा था ना, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। हेलो विजय, आप सब निकल जाओ, मुझे कुछ पर्सनल काम है। गाड़ी पे बैठ, मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। तुझे ही बोल रही हूँ, बैठ। सुनो भाई, इसे ऑफिस में रख दो। चल भैया। चलिए। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरी इज्जत चली गई, और आज रोड पे जाती हुई लड़की को ऐसे घूर रहा है, यही तेरी इज्जत है? जब देखो बड़बड़ करता रहता है। अभी जवाब दे, बोल। सो, उस दिन की हरकत और आज की हरकत में कोई संबंध नहीं है। ओ, तुमने जो हरकत की वो गलत नहीं है और हम करें तो वो गलत है, ये कैसा न्याय मैडम? ठीक है, किसी ट्रस्ट का नाम बोल रहे थे ना, वो कहाँ है? पल्लावरम में। ठीक है, वही चलते हैं। अरे वहाँ पर मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसे बिगाड़ मत देना प्लीज। ए, चुपचाप चल। ठीक है। खाना खाया तूने? क्या खाया तूने? दाल चावल और रोटी। ये है मेरी फैमिली, मैं इन्हीं के साथ रहता हूँ। ये कौन है भैया? ये ना आपकी वाली है क्या? बहुत मस्त दिख रही है। मस्ती खोर, जा जाके खेल। जाओ जाओ जाओ। क्यों भाई, जो पढ़ रहे हो याद तो है ना? हाँ याद है।
क्यों कार्तिक, कौन है ये? यहाँ का कामकाज ये संभालते हैं। बच्चों की देखभाल, उनका खाना पीना सब यही संभालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटी, जब तक मैं और सर हैं तब तक, उसके बाद तो सब छोटे का ही है। ठीक है, आप अभी पूछ लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? संगीता। कहाँ की रहने वाली? चेन्नई। काम क्या करती है और किस सिलसिले में सर से मिलने आई? पुलिस डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच, स्पेशल टीम। चलो। पुलिस वाली। आजा बेटा, आजा मेरे पास। रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, अब से यही है तुम्हारे मम्मी पापा। रोते नहीं बेटा, आराम से बेटा, रोते नहीं। मैं अपनी पूरी जायदाद बच्चे के। हाँ ठीक है ठीक है, रख लो। जायदाद बड़ी बात नहीं है, लड़के को पालना ही बड़ी बात है। हम अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे, अब से ये हमारा बेटा है। सुभाष रोते नहीं बेटा। सुभाष, आजा। ओए हो, क्यों रो रहा है बेटा? मम्मी पूछ रहा था ना, ये ले मम्मी आ गई। जाओ। आज से सुभाष तुम्हारा बेटा है। जी चल। मेरी याद इसको नहीं आनी चाहिए। रोते नहीं बेटा। शर्वन जी, हमारे रिश्तेदारों में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमें माँ बाप पुकारने वाला यही बच्चा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झुक झुक जी हो। चलता हूँ। ओ, रोते नहीं बेटा, अब हम घर चलेंगे, अपने घर चलेंगे बेटा, अपने घर चलेंगे बेटा, रोते नहीं है ना बेटा, ना ना। लड़का ज्यादा ही रो रहा है। रोने दो, इसके रोने से उसका पूरा कष्ट चला जाएगा, यही मैं चाहता हूँ कार्तिक। कार्तिक, ये कौन? ये सर, संगीता। मेरा नाम संगीता माथुर है। कार्तिक ने कहा आप ही सब कुछ हो इसके, तो ये क्यों आई? सर, ये मेरे बारे में कुछ इंक्वायरी करने आई है। हाँ सर, मैं कार्तिक से। कार्तिक से क्या? मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ। प्यार करती हो? हेलो, ये क्या कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्या ये सब? एक्चुअली सर, ये पुलिस वाली है। पुलिस है तो क्या हुआ, वो भी एक प्रोफेशन है ना। कार्तिक, तू इसे दिल से प्यार करता है ना? सच बोल। तुझे पसंद है तो कॉन्फिडेंस से बोल। दिल से करता हूँ सर। तो फिर क्या है, शादी कर लो। जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें शर्माने की क्या बात है। उठो। कार्तिक को मैंने बचपन से पाला है। जब ये इतना सा था तब से मैंने इसको अपने पास रखकर इसकी अच्छी से देखभाल की है। दोनों अच्छे से जीवन गुजारो, यही मेरी इच्छा है।